आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेजबान उर्वतुल वस्का। नाजरीन, टेक्नोलॉजी से और इंटरनेट से एक नई दुनिया वजूद में आई जिसे हम वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं, और हम सब अपने मोबाइल फोन के जरिए, अपने पीसीज, अपने लैपटॉप्स के जरिए इस वसी नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं और पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन से कई सारे चैलेंज भी हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे अहम चैलेंज साइबर क्राइम है और डेटा प्राइवेसी है। नाज़रीन, ये जरूरी है कि हम इस लिहाज से बात करें और इस पे आपको जानकारी दें कि हम किस तरीके से अपनी शिनाख्त को, अपने डेटा को इस डिजिटल स्पेस में महफूज रखें। नाज़रीन, इस सब चीज़ों पे आज बात करेंगे, और आज के इस शुमारे में जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है साइबर क्राइम एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन इन द डिजिटल एज। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए आज अपने स्टूडियो में जिन मेहमानान को हमने दावत दी है, आइए नाजरीन उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज के स्पेशल गेस्ट इफ्तिखार तालिब जी, एसपी साइबर क्राइम कश्मीर। हमारे साथ और दो दोस्त भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ और तीन दोस्त भी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नादिया रशीद जी, आप एक तालिब इल्म हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद बशीर, आप भी एक तालिब इल्म हैं। शुक्रिया मधुबनी। आखिर पे और एक दोस्त के साथ भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंशा रशीद जी, आप रिसर्च स्कॉलर हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत इस्तकबाल इस खास प्रोग्राम में। तो शुरू करते हैं आपसे, और आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से हमने साइबर क्राइम का जिक्र किया, आप इस फील्ड में हैं अभी, और आप खासकर अगर कश्मीर की बात करें तो आप एक स्नैरियो देख रहे हैं यहाँ पर, आप उससे ज़्यादा मुतारिफ हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे कश्मीर में साइबर क्राइम्स किस तरीके के केसेस ज़्यादातर आपके सामने आते हैं, और एक जनरल ओवरव्यू हम आपसे साइबर क्राइम्स के हवाले से लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे पूरी दुनिया में अभी साइबर क्राइम जो है उसमें काफ़ी जो है बढ़ोतरी हुई है, बहुत ज़्यादा हुआ है, वैसे ही कश्मीर में भी है। जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जितना हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, उतना ही साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। तो ये ट्रेंड जैसा हिंदुस्तान में बाकी शहरों में है, वैसा ही ट्रेंड कश्मीर में भी है। कश्मीर में तीन ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज्ड करें तो तीन कैटेगरीज के जो साइबर क्राइम्स हैं वो रिपोर्ट होते हैं पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन कश्मीर में। उसमें एक है फाइनेंशियल फ्रॉड्स, दूसरे हैं सोशल मीडिया जो रिलेटेड साइबर क्राइम्स हैं, और तीसरा, क्योंकि ये एक कश्मीर वैली का अपना एक है, एक हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, तो टेरर क्राइम जो है। ये तीन किस्म के जो क्राइम्स हैं सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं आज की डेट में कश्मीर वैली में। आपसे मज़ीद चीज़ें भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो और दोस्त हैं इनसे भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। इंशा, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप एक मीडिया रिसर्च स्कॉलर हैं, यही मीडिया जो हम जिसमें साइबर क्राइम है, इसी मीडिया को एक इसका एक ऐसा रोल भी रहा है कि किस तरीके से हम अपने मासेस में एक अवेयरनेस फैला सकते हैं डेटा प्रोटेक्शन की अगर बात करें या साइबर क्राइम्स की अगर बात करें, तो इस हिसाब से आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है कि इस बीच मीडिया का रोल क्या है, प्रोफेशनल मीडिया का क्या रोल है? क्योंकि अभी कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम है डेटा प्राइवेसी की, और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है जिसकी वजह से एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है साइबर क्राइम। मीडिया का तो ऑब्वियसली हर चीज़ में ही बहुत ज़्यादा रोल होता है, मैसेज तक बात पहुंचाने के लिए मीडिया का सबसे क्रूशल रोल होता है।
तो मेरे हिसाब से बट चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम. जैसे कि अगर मुझे किसी बारे में पता चला है, जैसे किसी भी साइबर क्राइम के बारे में, आई शुड इन्फॉर्म माई फैमिली, आई शुड इन्फॉर्म माई रिलेटिव्स, आई शुड इन्फॉर्म माई फ्रेंड्स. जब तक वो वर्ड ऑफ माउथ स्टार्ट नहीं होगा, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्वियसली, तो वो जब तक शुरू नहीं होगा तब तक मीडिया प्रोफेशनल्स की बात कोई नहीं सुनेगा. दैट कम्स सेकेंडरी. प्राइमरी वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द होम. वी शुड टॉक अबाउट इट. वी शुड टेल आर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट हाउ वी कैन यू नो वी कैन हैंडल आर डेटा एंड स्टफ. अबाउट मीडिया प्रोफेशनल्स, येस, जैसे कि अभी ये प्रोग्राम हो रहा है तो इससे मीडिया लिटरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है. पीपल अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत ही बड़ा और ग्रेव इशू है. वी कैन सी कि अभी तो सेलिब्रिटीज़ के भी डीप फेक्स बन रहे हैं. रश्मिका मंदाना एंड काजोल, उनको भी नहीं छोड़ा गया इस सब चक्कर में. तो ये तो है ही. अब नॉर्मल लड़कियां उनको नहीं पता है. तो अब ऐसे प्रोग्राम्स होंगे और इस बारे में अगर सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स या कोई क्रेडिबल सोर्स बात करता है तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लड़कियों को भी समझ आता है कि नो, या मेन, इट्स नॉट अबाउट जेंडर ओनली, दोनों को समझ आता है कि ये जो डेटा प्राइवेसी है या साइबर क्राइम है वो कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं या हम पे इफेक्ट ना हो वो हम कर सकते हैं. जहाँ तक साइबर क्राइम्स का ताल्लुक है, इसमें न सिर्फ प्राइवेसी बल्कि और भी कई सारी चीज़ें जो है वो इसमें कवर हो जाती हैं. अपने प्रोग्राम के माध्यम से हम चाहेंगे कि आपसे हम ये सवाल पोज करें कि जिस तरीके से आप भी एक लॉ की स्टूडेंट रही है, आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ तक चिल्ड्रन का ताल्लुक है, चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी अगर उसकी बात करें, वो भी एक कंसर्न हमारे कौम में अभी देखा जा रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नज़रिया क्या है चीज को लेके और आपको क्या लगता है कि किस तरीके से एक ऐसे चैलेंज को हम टैकल कर सकते हैं. जी उर्वत, आपका बहुत शुक्रिया आज अपने प्रोग्राम में मधु करने के लिए. और एक अहम मौजू का आपने इंतखाब किया, साइबर क्राइम एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन इन द डिजिटल एज. जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल हम एक एम्पावर्ड वर्ल्ड में रहते हैं या एम्पावर्ड सोसाइटी में रहते हैं, यानी हम लोग सबसे ज्यादा आज डिपेंडेंट है इंटरनेट पे, और इंटरनेट की वजह से हमें आज बहुत ज्यादा यू नो फायदे भी मिले. आज अगर हमें घर में एक टूथपिक भी लानी हो या कोई बड़ा चीज, वी डू ऑनलाइन शॉपिंग. ओके, इससे पहले क्या होता था, हमारा रुझान होता था कि हम बाहर जाते थे, ठीक है, बट आज जो भी हम शॉपिंग करते, वॉट एवर थिंग्स वी आर डूइंग दैट थ्रू द ऑनलाइन मोड, बी इट लाइक इट्स योर शॉपिंग, इट्स योर यू नो ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस. तो आजकल जो हम लोग हैं ना, वी आर द डिजिटल सिटीजन्स, व्हाट वी कॉल्ड द नेटिजन्स, बट वी डोंट नो द यू नो व्हाट आर द नेटिकेट्स एंड द साइबर लॉज, जिसकी वजह से हम आज ये देखते हैं कि ड्यूरिंग पैंडमिक टाइम्स हमारे यहाँ एक रुझान रहा, जो हमारे बच्चे हैं जो रेगुलर मोड में स्कूल जाते थे, नाउ एवरीथिंग दैट टाइम एवरीथिंग ट्रांसफर्ड इन टू द वर्चुअल वर्ल्ड. ओके, तो पेरेंट्स उस टाइम पे मजबूर हो गए बच्चों को सेल्यूलर फोन देने में, जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हो गए दैट आवर चिल्ड्रंस गॉट इन्वॉल्वड इन यू नो मेनी यू नो डेंजरस थिंग्स. लाइक हमारे पास एक गेम थी ब्लू व्हेल गेम. ओके, तो उसकी वजह से बच्चों को एक टास्क दिया जाता था जिसमें बच्चों ने फिर सुसाइड्स किए एंड दे डू द सेल्फ हार्म. ओके, और उसके बाद और एक गेम है, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो 8 साल के बच्चे हैं, दे आर यूजिंग द गेम्स ऑफ 17+ गेम, जिसको हम बोलते हैं GTA गेम. दैट गेम इन्वॉल्व कंप्लीट ब्लड, ड्रग्स एंड एवरीथिंग इज इनसाइड इन द गेम, जिसकी वजह से हमने देखा कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक यू नो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए. या मैं यहां पे जोर दूंगी, जो हमारे वालिदैन हैं उन पे ये अवलीन जिम्मेदारी है उन पे कि वो देखिए अगर वो अपने बच्चों को सेल्यूलर फोन्स देते हैं कि वो किन यू नो जो एप्स है किन एप्स में जाते रहते हैं. ठीक है जी, आप देखिए कि हमारे पास आए दिन कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि वेयर वी सी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं यू नो दे और शेयर ऑन इंटरनेट. लाइक बच्चे का आज पहला दिन है, उन्होंने बच्चे की जो पिक है वो चढ़ाई है, ठीक है, बट मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी उनकी उनको मतलब आई एम रिक्वेस्टिंग देम कि ज्यादा ओवर शेयर ना करें. क्या पता जिस ऐप पे आप ये पिक अपलोड करें वहां पे कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफर होगा, वो जो चाइल्ड पोर्नोग्राफर ऐप होगी उस पर वो डालेगा, तो उस टाइम फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये बच्चे के लिए क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट. साजिद, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, आप भी सहाफत पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह हमारी दुआ रहेगी कि आगे आप एक कामयाब सहाफ़ी बने. लेकिन साइबर क्राइम का जहां तक ताल्लुक है, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके
कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि हमारे जहन में जब हम साइबर क्राइम्स के बारे में सुनते हैं हमारे जहन में बस स्पैम्स और फ्रॉड्स जहन में आते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम ये समझें कि आखिर साइबर क्राइम में क्या क्या चीजें हैं जो आ सकती हैं, किन किन चीजों से हमें बचना है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले आप मुख्तसरन हमें बताइए कि किन किन टाइप्स के जो हैं साइबर क्राइम्स होते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुखातिब करने के लिए हमें। तो जहाँ तक बात करेंगे साइबर क्राइम्स की, जो अकसाम हैं बहुत सारे, तो इसके रिलेटेड बहुत सारी बातें हम करते हैं, बहुत सारे हम कहीं कहीं तो हमें पता भी नहीं होता है कि हम क्राइम कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है क्राइम है। कहीं कहीं हमारे साथ क्राइम हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ क्राइम हो रहा है, क्योंकि अब ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, हमारा पूरा टेक्नोलॉजी से हम लेस हैं। लेकिन इसके चलते अगर हम साइबर क्राइम्स की बात करें, चाहे साइबर एक्सटॉर्शन की बात करें या साइबर बुलिंग की बात करें, साइबर हैरेसमेंट की बात करें, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। और इसके बहुत सारे और भी टाइप्स हैं जिनको हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है। चाहे हम अगर हम एक नॉर्मल सेलफोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, कभी कभी हमें एक स्पैम एसएमएस भी मिल जाता है, कभी कभी एसएमएस जो है, या हम ईमेल्स की बात करेंगे, स्पैम ईमेल्स मिल जाती हैं, और उनके साथ कहीं ना कहीं कोई अटैचमेंट जुड़ा होता है और आपने उस अटैचमेंट पर क्लिक कर दिया, दैट मीन्स आप स्कैम में फंस जाते हैं। और भी जैसे प्राइवेट नंबर से कॉल आते हैं हमें, या हिडन नंबर से कॉल आते हैं, कॉल लेते ही आप स्पैम में फंस जाते हैं, आप स्कैम में फंस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। और जैसे कि निशा जी ने पहले भी कहा कि ये हमें घर से जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे पास घर पे कोई सेलफोन यूज़ करता है बिना इसके नॉलेज के कि इसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि AI का ज़माना है, छोटी सी छोटी हरकत हमारी, एक गलत हरकत, हमें बहुत उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। अगर हम सेलफोन यूज़ करते हैं तो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि SMS का रिप्लाई अगर हमें देना है तो किस प्रकार से देना है, अगर हमें ईमेल का रिप्लाई देना है तो किस तरीके से देना है। जैसे इन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो स्पैमर्स फंसे होते हैं, बैठे हुए होते हैं, हैकर्स बैठे हुए होते हैं, जो बस इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब एक गलत क्लिक, और उसके बाद हम उसको एक्सटॉर्शन में डाल देते हैं, या फाइनेंशियल उसमें वो डिमांड करते हैं, या बाकी बुलिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने रिसेंटली भी देखा कि एक छोटा सा बच्चा, कश्मीर का एक व्लॉगर, एक छोटा सा 8 साल का बच्चा है, वो एक व्लॉग तो बनाता है, लेकिन फिर वो बाद में जो कमेंट्स पढ़ता है, उसकी माँ जब कमेंट्स पढ़ती है तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड मोड में आ जाती है, क्योंकि वो एक उसका लोगों का जहन ऐसा है कि अब ये छोटा बच्चा है, ये क्यों इसमें जा रहा है, लेकिन अभी उसका वो इंटरेस्ट है उसी में है, लेकिन कमेंट्स पढ़ के वो बच्चा जो है वो भी कहीं ना कहीं डिस्करेज फील कर रहा है, और उसकी माँ का यहाँ तक कहना था कि अब ये घर से बाहर भी नहीं जाता है। तो ये एक बुलिंग है, साइबर बुलिंग। तो इस किस्म के और भी बहुत सारे फ्रॉड्स हैं, बहुत सारे क्राइम्स हैं जो इसके रिलेटेड या साइबर क्राइम के रिलेटेड पाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार जी। अब आपकी तरफ रुख करेंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे कि देखिए मतलब जो हम डेटा शेयर करते हैं, जो हम अपलोड करते हैं उस पर हम नहीं आएंगे, लेकिन जो हमारा अपना पर्सनल डेटा है, फॉर एग्जाम्पल आजकल जो हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स रहती है वो ऑनलाइन ही रहती है, तो हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स, हमारा अपना मतलब एक वर्चुअल वर्ल्ड में जहाँ हमने अपनी शिनाख्त बनाई है, तो ये आइडेंटिफिकेशन या हमारा एक पर्सनल डेटा जो हम कई सारी वेबसाइट्स को एलो करते हैं बगैर इसके कि वो पब्लिक डोमेन में है, आपसे जानना चाहेंगे खासकर उस डेटा को हम कैसे सिक्योर, क्योंकि जब हम बात करते हैं जो हम पब्लिक डोमेन में, हम कॉशियस हो जाते हैं कि हमें क्या अपलोड करना है क्या नहीं, बट जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि हमारा अपना डेटा जो हम पर्सनल डेटा जो हमारा है उसको हम किस तरीके से अपनी आइडेंटिफिकेशन को, अपने डेटा को हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। देखिए इसमें दो हिस्सों में आप इसको लें, एक है कि जो सोशल मीडिया पे हम शेयर करते हैं, हमारी जितनी भी जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं उसमें हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सभी जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं उनसे, कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसकी आइडेंटिटी क्या है, ये असर्टन करने के लिए भी आपको वक्त चाहिए। आप सोशल मीडिया पे क्या शेयर करते हैं ये इसमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है हम सबको। हम जहाँ भी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं तो हम उसमें यही गुजारिश करते हैं कि अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल वो आप सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। और इन केस आप सोशल मीडिया यूज़र हैं, जो कि ऐसा हो नहीं सकता कि हम कोई ऐसी एडवाइजरी इशू कर दें या ये कहें कि सोशल मीडिया यूज़ ना करें,
यहाँ मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं वो सोशल मीडिया यूज़र हैं, तो उसमें जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसमें हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे पोस्ट कौन देख सकता है, जो हमने पोस्ट किया है उसको कौन डाउनलोड कर सकता है, उस पर कमेंट कौन कर सकता है। आप अगर पिक्चर अपलोड करते हैं तो वो कौन देख सकता है, ये हो गया सोशल मीडिया का। तो इसमें साइबर पुलिस स्टेशन की तरफ से हमारी एडवाइजरी हमेशा यही होती है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जितनी कम हो सके उतनी ही आप सोशल मीडिया पे शेयर करें। अब रहा जो फाइनेंशियल, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है या बैंक्स हैं, सब कुछ अभी मोबाइल पे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, उसके लिए हमेशा सिक्योर ऐप्स जो है आपको वेरीफाई करना है कि ये ऐप अगर मैं यूज़ कर रही हूँ या कोई भी यूज़ कर रहा है तो क्या ये सिक्योर है कि नहीं। अगर हम सिक्योर जो ऐप्स हैं, जैसे जो बैंक्स हैं उनकी ऐप्स हैं, उनको यूज़ करते हैं तो उसमें इतना बड़ा कोई इशू है नहीं। इसमें हमारी हमेशा यही एडवाइजरी रहती है कि कोई भी बैंक, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपको मोबाइल फ़ोन करके कोई भी आपसे डिटेल नहीं लेता। बड़े लोग हमारे पास आते हैं कि हमें कॉल आई थी कि सिम ब्लॉक हो जाएगा तो इसलिए हमने ये कर दिया, तो ऐसा कोई नहीं है। ऐसे कानून है हमारे मुल्क में कि आपका सिम ऐसे कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, आपका एटीएम कार्ड ऐसे कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, ना ही क्रेडिट कार्ड। तो कोई भी अगर आपको कॉल करे तो कोई बैंक टेलीफोन के ज़रिए आपसे ना आपकी ओटीपी जानता है, ना आपके बाकी जो डिटेल्स हैं, जो एटीएम कार्ड का नंबर है, उनकी जांच पड़ताल करता है। तो सिक्योर जो ऐप हैं उन पे आप यूज़ करें, बट उसके साथ साथ जो ओटीपी है या जो आपका कार्ड का नंबर है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सनल हैं, ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। ओवरऑल साइबर क्राइम से बचने के लिए हमें बड़ी बेसिक चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप पर्सनल डिटेल शेयर ना करें, आप ओटीपी शेयर ना करें, आप आपको कोई अननोन नंबर से मैसेज आता है उसमें कोई लिंक है उस पर आप क्लिक ना करें जब तक कि आप श्योर ना हो जाएंगे ये किसका नंबर है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें करनी हैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए। कभी कभार क्या होता है कि कोई आपका फ़ोटो लेके एक फेक आईडी अकाउंट बना लेता है, तो एज यूथ हम में इतनी अवेयरनेस होती है, लेकिन आजकल जैसे आपने भी बोला कि सोशल मीडिया का दौर है और हर किसी के पास फ़ोन तो सेल फोन तो है ही, चाहे वो हमारे एल्डरली जो, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है ये यूथ बेस्ड है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा कभी होता है कि किसी ने कोई फेक अकाउंट बना लिया और वो अप्रोच कर रहा है इस इंसान को अपनी पर्सनल डेटा, और उसको लग रहा है कि ये जो सामने इंसान है ये, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ तो आपके साथ एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूँगी कि हमारी टीचर जो है उसके अकाउंट, उसकी सारी फ़ोटो लेके, उसकी सारी बायो लेके एक फेसबुक आईडी बनाई गई, और उस फेसबुक आईडी के ज़रिए से हमारे जो स्टूडेंट है, हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स भी रहे, उनको मैसेज गई कि मैं आपका ऐसे टीचर हूँ, मतलब आप ठीक है वो ये सब, तो मुझे आपकी जो है हेल्प, मुझे जो है आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे आप इतने पैसे सेंड कीजिए, और कुछ स्टूडेंट्स ने पैसे सेंड भी कर लिए। तो इस बीच मतलब आप हमें बताइए कि क्या कानून रहता है कि ऐसे केसेस में क्या एक्शन ले सकते हैं अगर हम आपको अप्रोच करें। ये एक बड़ा कॉमन अभी साइबर क्राइम कश्मीर में रिपोर्ट हो रहा है, आइडेंटिटी थेफ्ट हम इसे कहते हैं, व्हाट्सएप डीपी स्कैम भी इसे नाम दिया गया। तो अब कोई भी किसी नॉन पर्सनैलिटी की जो सोशल मीडिया पे अच्छी फॉलोइंग हो या पब्लिक अफेयर्स में नॉन हो, उनकी फोटोग्राफ्स डीपी लगाते हैं और फिर उनके जो नॉन है उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। अब उनके नॉन जो हैं वो भी सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है, ओपन प्लेटफॉर्म्स पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो वो उन्हीं को टारगेट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इनफैक्ट कल ही हमें सेक्रेटरीट से एक केस आया है जिसमें एक सीनियर अफसर जो है उनका डीपी लगा के, जो उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग थे, उनको मैसेजेस आए थे। इसमें हम कानूनी कार्रवाई करते हैं और इसके लिए प्रॉपर कानून है,
इसमें हमने कई सारी एफआईआर्स भी रजिस्टर की हैं, और इसमें जिन जो विक्टम्स थे जिनके पैसे चले गए थे उनको हमने रिकवर करके भी दिए। इंशा आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से देखिए साइबर क्राइम की बात है, ना सिर्फ ये इंफरादी तौर पर हमें इफेक्ट करता है बल्कि अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी, मतलब अभी हम मान लीजिए एक इंडिविजुअल है तो अवेयरनेस नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज ने काफ़ी सारा फाइनेंशियल लॉस जो है उसको सामना करना पड़ा साइबर क्राइम की वजह से। आपसे जानना चाहेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पर अभी बात करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पर आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से एक इंसान क्या स्ट्रैटेजीज बना सकता है जिससे इंसान अपना जो डेटा है या इन साइबर क्राइम से खुद को महफूज रखे? देखिए हम लगाड़ तो है नहीं कि अब सोशल मीडिया हम छोड़ छाड़ के या फोन छोड़ छाड़ के हम लोग ट्रेडिशनल वे ऑफ बैंकिंग या सॉरी ट्रेडिशनल वेज ऑफ बैंकिंग या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपनाएं, दैट्स नॉट पॉसिबल अभी। तो ऑब्वियसली हमेशा रिस्क तो रहता है इन चीज़ों में, यू कांट अनडू इट, बट मीडिया लिटरेसी जैसे कि मैं बात करी थी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम्स की, हम इस बारे में भी बात करते कि फेक न्यूज़ कितनी होती है। अब अगर हम खुद से ये चीज़ ना देखें, समझे बातों को, जैसा कि मैंने कहा हम लोग इंडिविजुअल लेवल्स पे ये कर, देखिए डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि डिजिटल फुटप्रिंट ऐसा होता है कि फ़ोन से एक बारी फ़ोटो आपने ले ली, या इंटरनेट पे फॉर दैट मैटर गूगल नोट्स भी अगर आपने कुछ उस पर लिख दिया तो वो हमेशा के लिए वहाँ पर रह जाता है। अगर आप वो फ़ोन सेल करके फिर किसी और को भेज दे, अगर उसको वो रिट्रीव करना होगा डेटा, दैट कैन बी रिट्रीव्ड। सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, यू कॉन्ट अनडू समथिंग, रिस्क फैक्टर तो हमेशा ही रहेगा। बट अब जो हम लोग कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि सर ने कहा कि हम लोग अपने डेटा अपलोड ना करें ऑन सोशल मीडिया, वो एक छोटी सी चीज़ हो सकती है। या अगर हम ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे तो सेफर मूव्स करें, कैश ऑन डिलीवरी होती है वो करें। या परसों तो एक स्कैम हुआ था कि फ़ोन कॉल्स आ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वॉइस को कर रहे थे कॉपी, एंड देन देवर कॉलिंग की मैं आपकी बेटी बोल रही हूँ, आई एम स्टक हेयर, आई नीड मनी, प्लीज़ सेंड मनी ऑन दिस नंबर। सो वो होता है, ऑब्वियसली देर आर ऑफिशियल्स लाइक सर जो हेल्प करते हैं बाद में, बट डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। बहुत सारे स्कैमर्स तो ऐसे भी कॉल करते हैं कि अच्छा आप हमें ये दे दीजिए, आपके कंप्यूटर में ऐसा प्रॉब्लम है, वी विल फिक्स दैट, एंड देन वो आपके कंप्यूटर में वायरस डाल के वो सारा डेटा जो भी आपका पर्सनल होता है वो आपसे वो चुरा लेते हैं। तो यू कांट यू नो रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया या कंप्यूटर या कुछ भी, बट या सेफर मोड्स वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सेफ रहे, हम लोग सोच समझ के करें। और अब जब पता है कि अब देखो नए नए स्कैमर्स तो आएंगे ही, अब एक चीज़ अगर बंद हो गई तो दूसरे स्कैमर्स दूसरा और मुझे लगता है इंशा इस बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि क्राइम को पहले क्राइम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारे जो हमारा जो मुल्क है इसमें आईटी एक्ट भी है, और इस आईटी एक्ट के तहत अगर फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है या कोई मेल है, कोई आपको ऑफेंसिव मैसेज भी कर रहा है, तो बाज़ अवकात हम कितना मतलब लाइटली लेते हैं ना इस चीज़ को, कितना मतलब लाइटली लेके इस चीज़ को नज़रअंदाज कर लेते हैं। नादिया चूँकि लॉ स्टूडेंट रही है, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो लॉज है जो साइबर क्राइम के रिलेटेड है, क्या आपको लगता है कि वो काफ़ी है इस चीज़ को टैकल करने के लिए? जी, पहले हमारे पास, मैं आपको बोलूँगी, हमारे पास आईटी एक्ट 2000 है जिसमें एक सेक्शन है सेक्शन 67A ऑफ आईटी एक्ट, जो ये बोल रहा है कि इफ़ समबडी इज़ पोस्टिंग और शेयरिंग और पब्लिशिंग एनी यू नो ऑब्सीन कंटेंट ऑनलाइन, दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द टर्म ऑफ 3 years विद द फाइन ऑफ 5 lakh। ओके, और इसी के साथ और एक प्रोविजन है कि अगर कोई इंसान लाइक सिमिलरली दे आर पोस्टिंग और शेयरिंग एनी यू नो सेक्चुअली एक्सप्लिट कंडक्ट और एक्ट, दैट पर्सन शुड बी इम्प्रिजन फॉर द टर्म ऑफ 5 years विद द फाइन of
10 लाख, ऐसे हमारे पास और एक्ट्स है, लाइक अगर हम आईपीसी की बात करें, हमारे पास क्रिमिनल इंटिमिडेशन है सेक्शन 503 ऑफ आईपीसी, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आपको कोई यू नो दे आर थ्रेटनिंग यू थ्रू द मैसेजेस, हमारे पास हैकिंग के रिलेटेड लॉज है, जैसे हमारे पास सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट है, दैट्स क्लियरली सी दैट हैकिंग इज एन क्राइम. हमारे पास और एक एक्ट है आईटी एक्ट में सेक्शन यू नो 84A ऑफ आईटी एक्ट, दैट सेज इवन एन अटेम्प्ट ऑफेंस इज क्राइम. अगर आपको लगे कि समबडी इज ट्राइंग टू यू नो हैक योर इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर इंस्टेंस एंड यू गॉट द अलर्ट, फॉर दैट पर्सन हैज जेल ऑफ 3 years विद द फाइन. ओके, तो अभी जो हमारे पास इतने सारे लॉज, हमारे पास अभी यू नो ये है साइबर लॉ प्रोटेक्शन एक्ट 2012 भी है हमारे पास, बट देर इज स्टिल द नीड ऑफ यू नो अवेयरनेस प्रोग्राम्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. एंड आई बिलीव दैट वी शुड हैव द डिजिटल वेलनेस एंड द यू नो सोशल मीडिया वेलनेस शुड बी द पार्ट ऑफ करिकुलम, क्योंकि इट शुड नॉट बी ओनली यू नो लिमिटेड टू द लॉ स्कूल. साइबर लॉ जो है इट शुड नॉट बी ओनली लिमिटेड टू द यू नो लॉ स्कूल, बट इट शुड बी यू नो जो हमारे लोअर प्राइमरी यू नो एजुकेशन है ना, वहाँ पे भी बच्चों को साइबर जो लॉ है वो नॉलेज उनको इम्पार्ट करनी चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं आज हर एक बच्चे के पास सेल्यूलर फोन्स होते हैं. और यहाँ पे मैं फिगर्स भी मेंशन करूँगी, एक ऑफिशियल पुलिस डाटा है जिसमें 2023 में वी गॉट 1046 यू नो कंप्लेंट्स विद रिगार्ड टू द साइबर फ्रॉड्स, जिससे हमें ये पता चला कि देयर इज अ क्यूमुलेटिव लॉस ऑफ 7.68 करोड़ रुपीज. तो यहाँ पे वी नीड हियर द रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म शुड बी इंप्रूव्ड मोर एंड मोर, तब जाके ये जो क्राइम्स है ना साइबर क्राइम वी कैन कम्बैट फ्रॉम दिस मैनस इन द सोसाइटी. और चूंकि टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व कर रही है, उस हिसाब से जो हमारे एक्ट है या जो हमारे कानून है इसमें भी कई सारी अमेंडमेंट और भी आएंगी इस चीज को मद्देनजर रखते हुए. और जो डेटा आपने प्रोवाइड किया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. साजिद, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आमतौर पर ये भी कभी होता है, हम लॉस की बात करेंगे, फाइनेंशियल लॉस की बात करेंगे, अगर हमारा ये फाइनेंशियल लॉस कम हो रहा है तो हम इसको बहुत नेग्लेक्ट कर लेते हैं. इस तरीके से क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं, जो ये स्पैम वाले बैठे होते हैं वहाँ, तो उनकी जो है मतलब वो उनको बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हम इस चीज को मद्देनजर कर लेते हैं कि अगर हमारा फाइनेंशियल लॉस कम हो रहा है, हम इस चीज को जो है इसकी मतलब इसके लिए अप्रोच नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास पुलिस है, हम उनको अप्रोच नहीं करते हैं, या हमारे पास लॉज है हम उसको, आपको लगता है कि उस चीज पे भी जरूरत है कि हम बात करें, या उस चीज पे भी जरूरत है कि ये ना देखें कि हमारा लॉस कितना है, बल्कि ये देखें कि ये एक स्पैम हो रहा है. देखिए, इस रोल को डिस्कस करने से पहले मैं, जैसे सर ने कहा कि हमें OTP शेयर नहीं करनी है या बाकी सारी चीज़ें, उन पर ध्यान रखना है, तो उसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा. जब भी हम, अगर हम कोई सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म पर हम इस वक्त है, तो दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक की बात करें, तो आजकल कॉमनली आप देख लें कि व्लॉगर्स हैं या बाकी सारी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो वो फेसबुक का इस्तेमाल करके अपने आप को प्रमोट करते हैं, या एक अगर कोई क्रेडिबल सोर्स भी है तो वो भी आजकल फेसबुक पर ज़्यादा दिखाई देता है. तो इसमें ये चीज़ करनी ज़रूरी है कि आप अपने अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रख दें. देखिए, वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई पासवर्ड डाल दिया अपने अकाउंट में, उसको सिक्योर करने के लिए सबसे पहले तो आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए. जैसे वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सजेशन में ये भी मिलता है कि क्रिएट योर पासवर्ड स्ट्रांगर. आप उसमें अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें बाकी सारे डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं, अपर केस लोअर केस का यूज़ कर सकते हैं. तो वो हो गई ये बात. तो दूसरी, जब आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, तो उसमें आप एक पासवर्ड डालते हैं, तो पासवर्ड के साथ साथ आपको जब आप लॉगिन करते हैं तो उसके साथ साथ आपको कोई एडिशनल सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ती है. उससे क्या होता है कि जब आपका अकाउंट कोई एक्सेस करना चाहता है तो उसको बहुत मुश्किल पेश आती है उसको एक्सेस करने में. तो ये चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात ये, जब भी आप कोई OTP शेयर करते हैं, आज नॉर्मली आप देख लें कि आप वाईफाई यूज़ करते हैं किसी का भी, तो नॉर्मली हमारा एक माइंड सेट बना हुआ है कि 1 से लेकर 8 तक इसका पासवर्ड हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली आज यही लोग करते हैं. तो अगर आप अपने पासवर्ड को स्ट्रांगर करते हैं तो आप उससे बच सकते हैं. दूसरी बात ये कि जो भी आप सोर्स यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उसको अपडेटेड रखें. बहुत बहुत शुक्रिया साजिद आपका, आप सब मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया अपने वैलिड पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, और हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर करने के लिए. नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको आज का शुमारा बहुत पसंद आया होगा. इस साइबर क्राइम के बारे में
और भी बात करनी ज़रूरी है, जैसे कि हमने बोला कि इसके बारे में अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें चाहिए कि अपने पासवर्ड्स, अपना डेटा काफ़ी ज़्यादा हम सिक्योर करें। नाज़रीन, अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नया टॉपिक लेके, लेकिन आज के शुमारे के लिए बस इतना ही। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।